जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल फ्रेंड। आज हम देखने वाले हैं 4 जून के करंट अफेयर्स जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। फ्रेंड क्वेश्चन में फर्स्ट है, हाल ही में किस स्वतंत्रता सेनानी का निधन हुआ है फ्रेंड? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अंजलाई पोत्रुस्वामी। ठीक है, ये अंजलाई पोत्रुस्वामी हैं जिनका हाल ही में निधन हुआ है, जिन्होंने औपनिवेशिक ब्रिटेन से भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी। 102 वर्ष की आयु में निधन हुआ इनका। 21 साल की उम्र में अंजलाई भारतीय लोगों से ब्रिटिश उपनिवेशवाद से जुड़ गई और उनको हटाने की उम्मीद से में भारतीय राष्ट्रीय सेना की महिला रेजिमेंट झांसी की रानी रेजिमेंट में शामिल हो गई। ठीक है, तो बहुत पुराना नाम है, बहुत ही एक तरीके से लेजेंड ये रही हैं। तो आपको नाम याद रखना है इनका, अंजलाई पोत्रुस्वामी, जिनका हाल ही में 102 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, आक्रमकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड? तो जो ये दिवस है वो 4 जून को मनाया जाता है। ठीक है ना, जिन बच्चों के खिलाफ किसी भी तरीके से अत्याचार किया जाता है, शारीरिक मानसिक जो भी होता है भावनात्मक, तो उनके लिए ये 4 जून को हम ये दिवस मनाते हैं। ठीक है, बाकी पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ लिखी गई, जब कोई बारी रीड आउट कर लेनी है इसकी। चलते आगे फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, किस राज्य में आया देश का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप? तो फ्रेंड, किस राज्य में लगाया जाने वाला है? और ये लगाया जाएगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड में। ठीक है ना, उत्तराखंड राज्य में ये लगाया जाएगा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, देश का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, जो एशिया में सबसे बड़ा उत्तराखंड में एक पहाड़ी देवस्थल के ऊपर कमीशन किया जाएगा। जो इसका कार्य क्या होगा, सुपरनोवा, गुरुत्वाकर्षण लेंस, अंतरिक्ष मलबे और क्षुद्र जैसे ग्रहों, क्षीण या परिवर्तनशील वस्तुओं की पहचान करने में ये मदद करने वाला है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है जो कि उत्तराखंड में इसको लगाया जाएगा। ठीक है, बाकी पूरी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में लिखी गई, जो आपको रीड आउट कर लेनी है बारी। ठीक है, चलते हैं आगे। कुछ फ्रेंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि उत्तराखंड का GI टैग, ठीक है, और बाकी वहाँ की राजधानी और बाकी यहाँ की इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर लिखी गई हैं। चलते हैं आगे फ्रेंड्स। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, किस राज्य में इसरो अध्यक्ष ने नए अंतरिक्ष यान निर्माण सुविधा का उद्घाटन किया है? तो फिर किस राज्य में किया गया है ये? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कर्नाटका में। ठीक है ना, कर्नाटका के राज्य में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष डॉक्टर एस सोमनाथ ने कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड एयरोस्पेस पार्क में एक अनंत टेक्नोलॉजीज की अंतरिक्ष यान निर्माण इकाई का उद्घाटन किया है। नई अत्याधुनिक अंतरिक्ष यान निर्माण सुविधा एक बड़े अंतरिक्ष यान के संयोजन व प्रशिक्षण का संचालन करने में कर सकती है। ठीक है, तो ये जो है कर्नाटक राज्य में उसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, अगर बात करें इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी, इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। ठीक है, चलते बढ़ा की फ्रेंड क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, हाल ही में किस संतूर वादक का निधन हुआ है फ्रेंड? तो हाल ही में भजन सपोरी का भजन अभी हाल ही में निधन हुआ है। ठीक है ना, संतूर वादक और पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित भजन सपोरी का 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। संतूर वादक का जन्म 1948 में कश्मीर घाटी के सपोरा में हुआ था। ठीक है, तो इनका हाल ही में निधन हुआ है, ध्यान रखना। ठीक है, चलते आगे। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर सिक्स है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित नए मॉडल स्कूलों का नाम क्या है? तो जो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जो नए मॉडल के स्कूल के नाम जो रखे गए हैं वो है PM श्री स्कूल। ठीक है ना, PM श्री स्कूल के नाम जान जाएंगे। केंद्रीय सरकार छात्रों को भविष्य के लिए तैयार करने के उद्देश्य से अत्याधुनिक PM श्री स्कूल स्थापित करने की योजना बना रही है और ये स्कूल नए राष्ट्रीय शिक्षा नीति की प्रयोगशाला के रूप में काम करेंगे। ठीक है, जिस तरह की अब हमें नई टेक्नोलॉजी के साथ कार्य करना है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो स्किल्ड हों उनको किस तरह की प्रॉब्लम ना हो जब भी वो आगे निकलें, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्किल्ड करने का जो उनका लक्ष्य है उसके तहत ये स्कूल की स्थापना की जाएगी और उसके तहत इनकी पढ़ाई की जाएगी। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, PM श्री स्कूल के नाम से मॉडल रखे गए हैं। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर सेवन है, किस राज्य ने संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ परियोजना पुरस्कार जीता है? फ्रेंड किसने जीता है ये? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मेघालय। ठीक है ना, मेघालय राज्य। काफ़ी बार ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, बहुत छोटे क्वेश्चन होते हैं पर इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में देख जाते हैं। तो मेघालय सरकार की ई प्रस्तावित प्रणाली की प्रमुख
पहल मेघालय एंटरप्राइज आर्किटेक्ट के हिस्से ने स्विट्जरलैंड के जिनेवा में एक प्रतिष्ठित यूएन अवार्ड वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी फोरम पुरस्कार जीता है। ठीक है ना, आईटीयू के महासचिव कोलिन झाऊ ने जिनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित WSIS फोरम पुरस्कार 2022 में मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा को विजेता पुरस्कार प्रदान किया है। ठीक है, तो इस तरह की क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में दिए गए, जो आपको पता होना चाहिए। मेघालय राज्य को ये पुरस्कार सम्मानित किया गया है। ठीक है, शिलोंग मेघालय की राजधानी, बाकी वहाँ के मुख्यमंत्री राज्यपाल के नाम यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, किस राज्य ने फेसलेस रोड ट्रांसपोर्ट ऑफिस लॉन्च किया है, RTO? तो किसने लॉन्च किया है ये? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। ठीक है, तो 2 जून 2022 को महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के नागरिकों को RTO में शारीरिक रूप से उपस्थित होने की आवश्यकता के बिना ड्राइविंग लाइसेंस आदि जैसी सुविधाओं को लाभ उठाने में मदद करने के लिए फिर फेसलेस क्षेत्रीय परिवहन कार्यक्रम RTO लॉन्च किया है। इस पहल की शुरुआत परिवहन राज्य मंत्री सतीश पाटिल ने की है। ठीक है ना, वहाँ पर जो आपको फेस दिखाना है, आप ऑनलाइन के थ्रू भी अपना ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप इन्फॉर्मेशन देगी इसके बारे में पूरी जो आप पढ़ सकते हैं। चलते आगे फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9 है, किस भारत ने किस देश के साथ रक्षा सहयोग के लिए विजन स्टेटमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं, कौन सा देश है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इजराइल के साथ। ठीक है, हमारे इधर के पौधे संबंध है और इसको आगे बढ़ाते हुए भारत सरकार ने विजन स्टेट पर हस्ताक्षर करे हैं, जिसमें दोनों देश रक्षा सहयोग में और भी आगे कार्य करेंगे। ठीक है, तो पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखी गई है, किस किस चीज़ किस विषय में यहाँ पे दिख रहा हो, उनके विषय पर चर्चा हुई है, जैसे सैन्य सहयोग में, सामरिक वैश्विक चुनौतियों में, संयुक्त अनुसंधान और विकास में, रक्षा औद्योगिक क्षेत्र में कार्य मिलकर करेंगे इजराइल और इंडिया। ठीक है, यहाँ पूरी इन्फॉर्मेशन लिखी गई है, इसके बारे में आप जो रीड आउट कर सकते हैं। चलते फ्रेंड आगे, एंड कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड जो आपको रीड आउट कर लेनी है। चलते आगे, फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 10 है, किस राज्य केंद्र प्रदेश में बनेगा वायु सेना का हेरिटेज सेंटर, तो फ्रेंड किस राज्य बनने वाला है? तो राइट होगा ऑप्शन बी, चंडीगढ़ में। ठीक है, चंडीगढ़ में वायुसेना की भूमिका को किस तरीके से हमारी वायुसेना ने कार्य करे हैं अब तक इतने सालों के अंदर, पूरे चीज़ों को प्रदर्शनी के तौर पर म्यूजियम के तौर पे वहाँ पे दिखाया जाएगा, ताकि लोग उसको देखें और सीख सकें किस तरीके से हमारी वायुसेना ने हमारे देश के लिए कार्य किया है। ठीक है, तो उनके लिए ये चंडीगढ़ के अंदर प्रदर्शनी का पूरा स्थापना की जाएगी। ठीक है, तो पंजाब राज्य सरकार बनवाने वाले पुरोहित और एयर चीफ मार्शल BR चौधरी मौजूद थे, इस टीम से बात की जाएगी। ठीक है, तो किस तरीके से कार्य होगा पूरी इन्फॉर्मेशन लिखी गई है, जो आप यहाँ से पढ़ सकते हो। अगर बात करें वायुसेना की स्थापना की, 8 अक्टूबर 1932 को स्थापना हुई थी, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में, और यहाँ इसके प्रमुख कौन है? विवेक राम चौधरी इसके मुख्य प्रमुख हैं। ठीक है, 10 क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट, इसी तरह की इवेंट वीडियो के चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल को क्लिक करें, ताकि टाइम टू टाइम इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलते रहे। तो फ्रेंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।